उज्जैन पुलिस द्वारा शहर में एक बार फिर गुंडे बदमाशों के अवैध मकान तोड़ने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुरुवार को ग्यारसी नगर में एक बदमाश का मकान तोड़ा गया तो आज सुबह उसी के भाई के मकान को जेसीबी से जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। उसके खिलाफ थानों में 19 मामले दर्ज हैं। जीवाजीगंज पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में लालू को जिलाबदर भी किया गया था, जो खत्म होने के बाद लालू ने फिर प्राणघातक हमले की वारदात को अंजाम दिया। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले अपराधी का मकान कल सुबह निगम नगर निगम और प्रशासन की टीम पहुंची। ग्यारसी नगर में रहने वाले लालू पर 19 मामले दर्ज है। लालू के खिलाफ हत्या का प्रयास, हफ्ता वसूली सहित 19 मामले थाने में दर्ज हैं। नगर निगम की तोड़फोड़ गैंग द्वारा लालू के ग्यारसी नगर स्थित अवैध मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने लालू के कजिन भाई मनीष पिता मुरलीधर भाटी का मकान तोड़ा था। मनीष पर 18 मामले थानों में दर्ज हैं। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में एक सूचीबद्ध गुंडा है, लालू पिता श्री कृष्ण भाटी। ये ग्यारसी नगर में रहते हैं थाना क्षेत्र के, और हमारे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ 19 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 4 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, हत्या के प्रयास के, और बाकी रंगदारी, पैसा वसूली और शारीरिक मारपीट यानी शरीर संबंधी अपराध हैं। इसका जो मकान था ग्यारसी नगर में, वो नगर निगम के हिसाब से वो मकान अवैध भी था, उसका निर्माण भी अवैध था और कोई अनियमितताएँ थी, तो गुंडा विरोधी अभियान के चलते उसको समय से पूर्व नोटिस वगैरह दिया गया था और शायद शर्तें पूरी ना होने से आज उसको गिरा दिया गया है।